हैदराबाद में हुए गैंगरेप को लेकर कल तेलंगाना पुलिस सभी आरोपियों के उसी मौका वारदात पर ले गई थी और रात को उन सभी जो आरोपी था उनके एनकाउंटर कर दिए गए। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर जो छात्रा है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। कल जो हैदराबाद के अंदर कुछ दिन पहले जो गैंगरेप हुआ था उसके सभी जो चारों आरोपी थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया, क्या है आपका निरीक्षण? ये बहुत अच्छा हुआ कि एनकाउंटर कर दिया गया, क्योंकि अगर वो लोग कोर्ट में पेश किए जाते तो तारीख चलती रहती और वो दिल्ली वाला गैंगरेप जब हुआ था उसके 7-8 साल बाद भी केस चल रहा था, तो ये एनकाउंटर हो गया वो बहुत अच्छा हुआ और हमें बहुत खुश हो कि रेपिस्ट को एनकाउंटर कर दिया। अच्छा, तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि सभी लोग जिस एनकाउंटर हुआ है उसको बोल रहे हैं कि सही हुआ है, क्या लगता है आपको क्या सजा होनी चाहिए ऐसे आरोपियों को? मेरे हिसाब से उन लोगों को फांसी या फिर नहीं तो फिर पूरे जितने लाइफ टाइम की जेल होनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ये लोग हैं वो ऐसे एक्शन बार बार करते रहते हैं। अगर हम उनको छोड़ देते हैं कुछ साल के बाद फिर भी उन लोगों को इतनी तो हिम्मत रहती है कि वो करें, तो हमारे इंडिया में ऐसा कुछ लॉ स्पेशल रेपिस के लिए या ऐसा कुछ, अभी केसेस ज़्यादा बढ़ गए तो ऐसा कुछ लॉ बनना चाहिए कि जिस वजह से स्पेशल उनके लिए ही कोर्ट बने और उसमें ये केसेस चले तो उनका जजमेंट भी फास्ट आए और जो भी ये केसेस है वो अच्छा सा उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट बने। देश की बहन और बेटे के साथ बार बार ऐसी वारदात सामने आ रही है, हैदराबाद में तो वारदात हुई, चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, आप कैसे देखते हैं सभी मुद्दे को? बिल्कुल सही किया है, एनकाउंटर किया है तभी तो जो बाकी के जो दूसरे मुलजिम हैं वो इससे इनको पता चलेगा और वो आगे ऐसा कुछ आगे कार्य ऐसे नहीं करेंगे, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे। ऐसा एनकाउंटर दूसरे देशों में भी होता है, आज इंडिया में ऐसा हुआ है तो हमें भी बहुत खुश हो रहा है, हमको भी गर्ल्स के लिए इतनी वैल्यू रिस्पेक्ट है, पर जो कुछ लोग हैं जो समाज के खिलाफ हैं उनके खिलाफ जो आज ये एनकाउंटर हुआ है ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। खासतौर पर गुजरात में भी ऐसी कई घटनाएँ सामने आती है बार बार, पुलिस को क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे आरोपी के खिलाफ? यहाँ पे जैसे इंडियन कल्चर एक रेप कल्चर बन गया है तो हमें सबसे पहले मोरल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए लड़कों के, और हमें एक मूवमेंट स्प्रेड करनी चाहिए कि लड़कों को सेक्स एजुकेशन दी जाए और उसको बताया जाए कि मतलब लड़की इज नॉट अ थिंग टू यूज, और ये जो एनकाउंटर की सजा दी है ये बेस्ट सजा है मेरे हिसाब से। तो जिस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र एवं छात्राएं हैं तो हैदराबाद के अंदर जो एनकाउंटर किया गया उसको लेकर उनका रिएक्शन एक ही है कि जो कोई ऐसी घटना को अंजाम देता है सभी आरोपियों को ऐसी ही सजा देनी चाहिए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ गौतम जोशी, गुजरात तक, अहमदाबाद।